मैनपुरी में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रोड शो किया। इस दौरान भोगांव और उसके बाद बेवर में थाने के सामने शहीदों की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इस रोड शो के दौरान हजारों की तादाद में कांग्रेसी समर्थक मौजूद रहे। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर भी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया था। राहुल गांधी जी का जो रोड शो है, इसके लिए हम लोगों ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और कल से ही हम लोगों ने, और इनफैक्ट परसों से ही हम कहना चाहिए कि हम लोगों ने वहाँ पर व्यापक रूप से चेकिंग का प्रोग्राम चला रखा है। डॉग स्क्वाड वहाँ पर मूव कर रहा है। किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक कोई वस्तु नहीं पाई जाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त रोड भी व्यवस्था जो है वो क्लियर रहे, इसकी हम लोगों ने पूरी ड्यूटी लगाई हुई है। रूफ टॉप पे जो भी ऊंचे मकान हैं वहाँ की छतों पे हमने ड्यूटीज लगाई गई हैं, जिनके पास दूरबीन है, बाइनोकुलर है और हैंडल सेट है जिनके पास। इसके अतिरिक्त एक पार्टी ऐसी लगाई है हम लोगों ने, एक सफिशिएंट पुलिस बल लगा जो रस्सा लेकर के जो राहुल जी की जो गाड़ी होगी उसके चारों तरफ वो चलेगा। इसके अलावा स्थान स्थान पर हर एक थाने में पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और निरंतर हम लोग चेकिंग करा रहे हैं। हमारे जो LIU टीम है वो भी सक्रिय है, SPG की जो टीम है वो भी हम लोग जो प्रबंध किए हैं उससे काफी संतुष्ट हैं। क्या रोड रहा है मैनपुरी से कहाँ तक क्या यात्रा है ये? फिरोजाबाद से राहुल गांधी जी करीब 12 बजे के करीब मैनपुरी में एंटर करेंगे। उसके बाद वो घिरोर थाना क्षेत्र में, दन्नाहार थाना क्षेत्र में कुछ कुछ फंक्शन है उनको अटेंड करने के बाद वो फिर कोतवाली थाना क्षेत्र में आएंगे और कोतवाली थाना क्षेत्र में करहल चौराहे से उनका रोड शो शुरू होगा। ये करहल चौराहे से उसके बाद सिटी पोस्ट ऑफिस की तरफ से होते हुए कई सारे स्थानों का भ्रमण करते हुए फाइनली देवी रोड से जा करके रोड शो समाप्त होगा और फिर वहां से वो अपनी बस और पूरा कारकेट उसके द्वारा वो थाना भोगांव पहुंचेंगे। भोगांव पे एक स्थल पर उनका स्वागत है। भोगांव थाने से वो बेवर थाने में जाएंगे जहां पर एक शहीदों का मंदिर है, वहां पर वो माल्यार्पण करेंगे और फिर बेवर से वो किशनी होते हुए सैफई हवाई पट्टी के लिए चले जाएंगे।